से, एक बार रेवेन्यू को बढ़ाने से कभी भी कोई भी कंपनी पर ज़्यादा विश्वास हमें नहीं करना चाहिए, अभिलाषा को देखा था। तो हमें क्या आप ट्राइडेंट में करना चाहिए? देखो सर, इस साल तो ट्राइडेंट में आप भी ये पैनी स्टॉक जो तेजी दिखा रहे हैं ना, उछल रहे हैं, निकल निकल के ऊपर जा रहे हैं, ये लाजमी आगे जाकर गिरेंगे। ये आप कहीं लिख लेना, आगे जाकर ये सारे शेयर गिरेंगे। कैसे आर पावर ने तेजी दिखाई है, कल दिखाए या ना दिखाए उस पर मत जाना, पर जाना है इस तरीके से कि ये अपने कर्ज लगना, बेवजह लगना, बेकारण से लगना, वो चीज़ें भी हमें आगे जाकर घाटे का सौदा बना कर लाती है। इसलिए कुछ कहेंगे, अब बहुत से लोग कहेंगे सर किस बात की गिरावट, किस बात की गिरावट, ये चीज़ तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आने वाले कि जिस तरीके से सेक्टर वाइज कभी कभी तेज़ी आ जाती है, कभी कभी आईटी के शेयर चलने लग जाते हैं, कभी बैंक के शेयर चलने लग जाते हैं, कभी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर ट्राइडेंट की, बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक और बात करेंगे सर वेदांता आर पावर और सुजलोन एनर्जी की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से सेक्टर वाइज कभी कभी तेज़ी आ जाती है, कभी कभी आईटी के शेयर चलने लग जाते हैं, कभी बैंक के शेयर चलने लग जाते हैं, कभी पावर के शेयर चलने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी में गिरावट, किसी ना किसी में उछाल तो निरंतर चलता रहेगा। फिर भी मैं अपनी समझ से आपको बता रहा हूँ कि इस बार हमें, यानी कि 3 से 4 महीने में हमें आईटी सेक्टर से दूर रहना है, बैंकिंग सेक्टर से दूर रहना है, और हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है पावर सेक्टर पर, और ध्यान रखना है सर हमें एफएमसीजी में और टेलीकॉम सेक्टर में। तो इन 3 सेक्टर में हमें विशेष तौर पर आने वाले दिनों पर ध्यान रखना है, और बाकी चीज़ों में थोड़े दिनों के लिए हमें विश्राम करना है, क्योंकि हर समय हर चीज़ों में लगना, बेवजह लगना, बेकारण से लगना, वो चीज़ें भी हमें आगे जाकर घाटे का सौदा बना कर लाती है। इसलिए कुछ सेक्टरों को सूच कीजिए और उनके द्वारा जो न्यूज आ रही है उससे साइकोलॉजी को उत्पन्न कीजिए और अपने डायरेक्शन खुद ब खुद बनाइए। ये मैंने आपको विशेष तौर पर बता दिया, और हर बार की तरह फिर बता रहा हूँ कि इस बार आपको विशेष तौर पर अपने प्रॉफिट पर, और फिर बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना पड़ेगा जो आने वाले दिनों में गिरावट के सामने आपको करने को मिल जाएंगे। अब बहुत से लोग कहेंगे सर किस बात की गिरावट, किस बात की गिरावट, ये चीज़ तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आने वाले महीनों में आपको इस बार मार्केट में गिरावट के सिलसिले देखने को मिलेंगे। इसलिए कह रहा हूँ इस बार अपने प्रॉफिट पर हमें विशेष, और अपनी मनी को बचाने पर, फिर गिरावट पे खरीदने पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। आर पावर ने जहाँ मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई जिसके द्वारा मैंने आपको बताया था कि ये OTS के माध्यम से 1200 करोड़ रुपए एक मुश्त जो किस्त है ना, ये अपने ऋणदाताओं को चुकाना चाह रहा है, ये एक पॉजिटिव चीज़ इसलिए है क्योंकि ये अपने कर्ज को चुका रहा है। पर इससे ये नहीं कि अगले दिन इस न्यूज़ से आपको तेज़ी मिले, यानी कि कल के दिन। तो कल के दिन जिस तरीके से आपको आर पावर में गिरावट देखने को मिली, ये चीज़ें मैंने आपको परसों बताई थी, और कल ही मैंने आपको कहा था कि ज़रूरी नहीं कि जिस शेयर ने एक दिन पहले तेज़ी, एक दिन पहले गिरावट, और वो अगले दिन बढ़कर ना दिखाए। ये सारी के सारी चीज़ें मैं सिचुएशन से बता रहा हूँ, और आज आपको आर पावर में फिर से तेज़ी के देखने को मिली, और आज भी मैंने लोगों के प्रॉफिट इसके अंदर बुक कराए। एक सिलसिले होते हैं ना इंट्राडे वाले, वो इसी तरीके से निकलते हैं सिचुएशन के अनुसार। जाना इस शेयर को काफ़ी सालों में ऊपर है, इसकी मनसा आर पावर की बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? अगर ये अपने कर्जे को ना निपटाते तो अपनी सहायक कंपनी के कर्ज के लिए, या फिर अभी बीते दिनों जो इनके ऊपर कर्ज था आर पावर में उसको उतारने के लिए, या फिर इनके ऊपर जो इन्वेस्ट जो करके बैठे हैं बड़े बड़े लोग, वर्दे पार्टनर जैसे लोग, तो उसकी मंशा को देखकर आने वाले सालों में तो दिशा मजबूत लग रही है।
पर जिस तरीके से अपने कर्ज को निपटाते जा रहे हैं, यहाँ पर हमें तेजी के संकेतों में नहीं आना है। बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 12 रुपए का तो स्टॉप लॉस और ये आने वाले दिनों में 14 रुपए 15 पैसे करीब भी जा सकता है। तो यानी कि एक्सपर्ट को भी पता है भाई कहाँ पर हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जितने एक्सपर्ट होते हैं ना, ये स्टॉप लॉस ज़रूर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ से प्रॉफिट बुकिंग तो आती है, और जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो फिर सब शेयर गिरने में होता है ना, तो वो गिरता ही जाता है। तो जब वो चीज़ें ये एक्सपर्ट देख रहे हैं कि भाई 12 रुपए का स्टॉप लॉस और 14 रुपए 15 पैसे तक जा सकता है, तो दोनों तरफ के इशारे होते हैं, और जब दोनों तरफ के इशारे होते हैं तो दोनों तरफ पर आपको अपना बेनिफिट देखना चाहिए। तो आज जिस तरीके से आर पावर ने तेजी दिखाई है, कल दिखाए या ना दिखाए उस पर मत जाना, पर जाना है इस तरीके से कि ये अपने कर्ज को उतार कर फिर एक मजबूती तरीके से अपने को उभारेंगे। तो हर सिलसिले को सही तरीके से देखना शुरू कर दो, तब जाकर आपको कुछ ना कुछ कंपनी में और कुछ ना कुछ अपने जीवन में और कुछ ना कुछ आपकी साइकोलॉजी जो मजबूत होती है उस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। उतार चढ़ाव में खोगे, अपने को परेशान करोगे, सब कुछ बेकार होने वाला है। तो आर पावर फिर बता रहा हूँ कम शेयरों के साथ रखने वाला शेयर है, क्योंकि इसकी जो मंशा बड़े बड़े पार्टनर ने जो देखी है इसके अंदर, वो लाजमी अच्छी है। और ये एक लाजमी चीज़ें हैं कि अपनी सहायक कंपनी का भी कर्जा उतारें। तो कर्जा उतारने का मतलब एक दिन पहले तेजी दिखा दी है और अब इसके अंदर जो भारी वॉल्यूम आया है भाई, हैवी वॉल्यूम हो रहा है, तो उसकी वजह से वो तो सर आपको पता ही है कि आगे जाकर तो फिर से गिरावट मार्केट में होने वाली है। सारी चीज़ें तो मैं आपको बताकर चल रहा हूँ। तो जितने भी ये पैनल स्टॉक जो तेजी दिखा रहे हैं ना, उछल रहे हैं, निकल निकल के ऊपर जा रहे हैं, ये लाजमी आगे जाकर गिरेंगे। ये आप कहीं लिख लेना, आगे जाकर ये सारे शेयर गिरेंगे। कुछ चीज़ों के लिए जब कुछ शेयर बढ़ते हैं ना, वो हमेशा प्रॉफिट बुकिंग के लिए चीज़ें आती है। और इसी तरीके से जब मैंने आपको ट्राइडेंट में आज से जो वीडियो बीते दिनों बनाकर दिखाई थी कि एक बार प्रॉफिट अच्छा करने से, एक बार रेवेन्यू को बढ़ाने से कभी भी कोई भी कंपनी पर ज़्यादा विश्वास हमें नहीं करना चाहिए। मैंने जब भी आपको ट्राइडेंट पे वीडियो बनाई ना, मैंने कहा कि काम तो लाजमी है, लेकिन जिस तरीके से डिमांड, जिस तरीके से अपने प्रोडक्शन में चीज़ें कर रहे हैं, जिस तरीके से भारी जो एक्सपोर्ट होता है उसके अंदर जो कमी आ रही है, तो सारी चीज़ें एक तरीके से देखी जाती है, और वो आपको ट्राइडेंट में मैंने हर बार समझाया। अब ये जो क्वार्टर दर क्वार्टर जो अपने को इम्प्रूव करता है ना, ये तो मैंने बताया और बड़े बड़े एक्सपर्ट ने भी बताया कि भाई एक बार एक क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट देने से हम अगले क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट देने की उम्मीद रख सकते हैं, पर तेजी की चीज़ें नहीं रख सकते। तो जब ये एक क्वार्टर, दो क्वार्टर, तीन क्वार्टर में लगातार अपने हर चीज़ को बढ़ाएगा, तो तब जाकर इसके अंदर अच्छी वैल्यू हमें देख लेनी चाहिए। 28% का इसने अपने शुद्ध लाभ में गिरावट कर दी है, जहां इसका 2022 मार्च में 181 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया था, तो अब जाकर इसका 131 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया। लेकिन ये सोचो कि प्रॉफिट क्या है कंपनी ने, इतनी डिमांड के बाद भी भाई डिमांड नहीं आ रही है, तो यहाँ पॉजिटिव संकेत हैं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इसने लॉस नहीं किया है, पर 28% अपने शुद्ध लाभ को घटाया है, और 16% साल दर साल इसने अपने रेवेन्यू में कमी कर दी है। तो कहीं ना कहीं अभी कंपनी में वो चीज़ें नहीं उभर रही हैं जो इसके अंदर राजेंद्र गुप्ता जी ने अपनी अभिलाषा को देखा था। तो हमें क्या अब ट्राइडेंट में करना चाहिए? देखो सर, इस साल तो ट्राइडेंट में आपको भूलने वाली चीज़ें रखनी चाहिए। वो क्यों रखनी चाहिए? कि जब मैं आपको कपड़ा से संबंधित न्यूज़ बताता हूँ कि भाई गुजरात का टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है बड़े संकट में है, सूरत में 5,000 जो छोटे इस तरीके का जो व्यापार करते हैं टेक्सटाइल में, वहाँ पर क्या हो रहा है, उनको अपने जो किराए के जो चीज़ें करते हैं ना उसका करवाने के लिए भी वो बहुत सोचना पड़ रहा है कि व्यापार आगे कैसे होगा। तो यहाँ क्या संकट है, ये टेक्सटाइल से जुड़ती हुई चीज़ है। जहाँ अमरीका साल में कुछ मंगाता होगा उसने भी वो आधा कर दिया है। रूस यूक्रेन के युद्ध से जिस तरीके से कपड़ा जाता है बाहर, उसमें भी कमी आई है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ नहीं देख सकते कि इस बार टेक्सटाइल में कुछ अच्छा होगा,
क्योंकि आगे जाकर आपको कोरोना के चीज़ें भी देखने को मिलेगी। अभी तो न्यूज़ में नहीं आ रहा है ना, लेकिन अभी आप देखना आगे जाकर आपको कोरोना भी देखने को मिलेगा। ये जो चीज़ें होती हैं ना ग्राउंड लेवल वाली चीज़ें, इस पर ज़्यादा वर्क किया करो। और जब हम इस चीज़ पर वर्क करते हैं तो आगे की दृष्टि दिखती है। तो अभी तो कोरोना, बीते दिनों मैंने आपको न्यूज़ काफ़ी बताई हैं, अभी भी न्यूज़ आ रही है लेकिन मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि अभी तो वो चीज़ें खुल के नहीं आ रही है ना, वो खुल के आएंगी जब आपको ये चीज़ें पता लगेगी। तो फिलहाल आपको सोचना है कि आगे कोरोना के केस बढ़ सकते हैं, क्योंकि चाइना ये तैयारी कर रहा है, वो कोरोना से निपटने के लिए भी जून में तैयारी कर रहा है। ये मैंने आपको हिंट्स दे दिए, आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो टेक्सटाइल में इस बार आपको विशेष तौर पर ध्यान नहीं रखना है, और ट्राइडेंट को होल्ड करने वाला शेयर बनाइए, क्योंकि केमिकल के साथ साथ पेपर में अच्छा वर्क और टेक्सटाइल में ये पैटर्न जो इनकी चीज़ें हो रखी हैं, वो एक नंबर वन चीज़ ट्राइडेंट को बनाता है। पर इसने अपने रेवेन्यू और अपने शुद्ध लाभ को कम किया है, तो यहाँ पर ये सिर्फ रखने वाला शेयर है। और हाल ही की तेज़ी और गिरावट में अपने शेयरों को एग्जिट और ख़रीदने वाली मंशा ये हमें नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इस बार टेक्सटाइल में हमें आगे की दिशा देखनी है। सरकार जिस तरीके से मेगा टेक्सटाइल पार्क, मिनी टेक्सटाइल पार्क या फिर इंदौर में इस तरीके का कुछ वर्क कर रही है, या फिर PLI की स्कीम के तहत अपने टेक्सटाइल व्यापार को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिशों में आगे लगेगी। हमारे पीयूष गोयल जी ने भी कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, पर उनके लक्ष्य 2030 के हैं, तो वो 2030 के लक्ष्य से पहले सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन ये इससे अगले साल आपको लेकर चलना पड़ेगा। टेक्सटाइल में अभी विशेष तौर पर आपको थोड़ा सा दूर होकर चलना पड़ेगा। जिस तरीके से आपको वेदांता में तेजी के संकेत देखने को मिल रहे हैं, लाजमी ये संकेत नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि वेदांता को है पैसों की काफ़ी ज़रूरत, और वेदांता उसके लिए पैसे जुटाने के की प्रक्रिया में लग गया। ये तो आपको समझकर चलना पड़ेगा। अनिल अग्रवाल जी की कंपनी वेदांता रिसोर्सेज जो है ना, उसके जो बॉन्ड के उनकी जो मैच्योरिटी होने वाली है $51 करोड़ उनको देने हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। JP Morgan ऑक्टाटीरी से इसने अभी ऋण जुटाया है, वो करीब $85 करोड़ जुटाए हैं, और $83 करोड़ ये डॉलर तो ये डिविडेंड में दे देगा। पर जिस कंपनी को पैसे की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, अब वो और पैसा किस तरीके से जुटाएगी, ये आगे की एक प्रॉब्लम बन जाती है। लेकिन अगर आपका इनका सपना देखना है चिप में, बेटर है लंबे समय के लिए। पर ये हाल ही की तेज़ी मुझे खल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्यों नहीं समझ में आ रही है? क्योंकि वेदांता ने अपनी पूरी की पूरी होल्डिंग जो हिंदुस्तान जिंक में है, जो करीब 64.92% है, उसको पूरा का पूरा उसने गिरवी एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज को कर दिया है, यानी गिरवी रख दी अपनी पूरी की पूरी होल्डिंग, जहां उसने ये चीज़ इस वित्तीय वर्ष में तीसरी घटना कर दी है। वेदांता ने हिंदुस्तान जिंक में अपनी शेयर को पलच करके यानी गिरवी रख के, तो यहां से आपको एक चीज़ देखनी चाहिए, फिर इसके शेयरों में तेजी क्यों है? क्योंकि इसने तो अपनी यानी गिरवी से जो पैसा आएगा उससे तेजी हम नापेंगे नहीं। जहाँ हिंदुस्तान जिंक में गिरावट और वहाँ वेदांता में तेजी। अब ये तेजी वाली और गिरावट वाली चीज़ें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, वैसे साइकोलॉजी लग रही है कि यहाँ पर जब कोई चीज़ गिरवी रख रहा है कोई, तो वहाँ तेजी नहीं आनी चाहिए, लेकिन तेजी आ रही है। पर ये न्यूज़ में भी है, इसके बाद जब ये न्यूज़ में आ रहा है कि वेदांता के शेयरों में तेजी और हिंदुस्तान जिंक में थोड़ी गिरावट, तो ये भी आपको सोचना चाहिए। इससे परे वहाँ पर क्या कहा है, इससे परे यानी गिरवी रखने से परे तेजी आ रही है। तो हमें हर एक विशेष को सोचना चाहिए कि अभी वेदांता होल्ड वाला शेयर है, अभी वेदांता में वो चीज़ें नहीं हो रही है जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। अभी वेदांता अपनी जो बाहर की कंपनी इनकी है, जो इनके वेदांता रिसोर्सेज, उसके कर्ज को निपटाने के लिए उसकी बैलेंस शीट सही कर रही है, पर उसके द्वारा उसकी अपनी बैलेंस शीट खराब हो रही है। हमें हर एक तथ्य पर एक चीज़ समझनी पड़ेगी। और फिर वेदांता रिसोर्सेज, मैंने आपको बताया ना कि बॉन्ड के जो पैसे मैच्योरिटी होने वाली वो 31 मई को होने वाली है, और $51 करोड़ करीब उसको देना है। तो ये सारी चीज़ें पैसों के द्वारा हो रही है, और इस चीज़ के लिए वेदांता लग गया है, चाहे वो गिरवी रख रहा हो शेयर या फिर वो अलग तरीके से किसी भी तरीके से वो पैसा जुटाने के उपलक्ष्य में लग गया हो। तो जब कोई व्यक्ति
पैसा जुटाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसा जुटाने से, कर्ज लेने से उसके शेयरों में बड़ा बताएगी। अगर आप भी कहीं से कुछ कर्ज लेकर कुछ चीज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि हमारे शान में कुछ अच्छा हो रहा है। समझो, इशारों को हमें समझना चाहिए और वेदांता की जो हाल ही की तेजी है इस पे नहीं बहना है, बल्कि ये देखना है कि उन्हें अपनी हिंदुस्तान जिंक में पूरी की पूरी अपनी होल्डिंग को गिरवी रख दिया है। बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है और इस ब्रेकिंग न्यूज़ को जो साइकोलॉजी के आधार पर समझेगा वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करके जाएगा सर। वेदांता और हिंदुस्तान जिंक में जिसने साल दर साल अपने प्रॉफिट में भी कमी करी है, फिर वो इस तरीके के काम कर रही है, तो आपको अपने ऊपर विशेष तौर पर सोचना है अब इस शेयर पे हमें होल्ड करना है या इतना अच्छा होल्ड करना है कि हमारे पास साल से दो साल हो, क्योंकि आगे की मंशा वेदांता पे मुझे बहुत अच्छी लग रही है। फिर हाल ही के तौर पर जो प्रॉफिट यानी कि जो पैसों की चीज़ें होती हैं वो उसके लिए वेदांता काम कर रहा है। सुजलोन एनर्जी ने जहां दो दिन तेजी दिखाई और एक दिन इसने 25 से 30 पैसे की गिरावट करी, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कल तो मैंने इसके शेयरों को निकाल दिया था वैसे प्रॉफिट में, फिर आज फिर इसके शेयरों को मैंने ख़रीदा। ये एक ऐसी चीज़ मैं आपको बता रहा हूं कि जब रेलवे के ऑर्डर RVL को मिलते गए तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पर इसी तरीके की एक न्यूज है कि जहां सुजलोन एनर्जी को विंड टरबाइन के भंडार लगा दिए इसने ऑर्डर के, इस तरीके की एक न्यूज है कि ढेर लग गए विंड टरबाइन में। क्यों लग गए? क्योंकि इसको 300 मेगावाट, 99 मेगावाट, 69 मेगावाट, इस तरीके से इसको ऑर्डर कंटिन्यू मिलते जा रहे हैं और ये एक ऐसा भंडार लग गया है जहां सुजलोन एनर्जी की नींव में और ज़्यादा मजबूती आ गई। अब एक शेयर जो लगातार बढ़ रहा है उसे लगातार बढ़ने की कोशिश में मत करो, क्योंकि मैंने कहीं देखा था, सुना था, शेयर मार्केट में सुना था कि जब हम किसी को धक्का देते हैं तो पहले अपना हाथ पीछे करते हैं। अब ऐसे धक्का तो दे नहीं सकते, पहले पीछे करना पड़ेगा। शेर भी जब पीछे की तरफ जाता है तब वो अपने शिकार में तेजी जाता है, तो ये वही चीज़ है। सुजलोन को समझना, तेजी वाली चीज़ों को समझना, वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने शेरों की चाल, साइकोलॉजी ये समझी और सुजलोन को जो ऑर्डर मिले हैं तो फालतू में तो ऑर्डर मिले नहीं भाई से। जब ये काम ही इस तरीके का करता है और ये बड़े बड़े लोगों की ज़रूरत को पूरा कर रहा है, उनके विंड टरबाइन स्थापित कर रहा है, उसका देख रेख करेगा, तो ये 25-30 एक रुपये की गिरावट से इसके काम खराब समझ रहे हैं क्या आप? बिल्कुल भी नहीं। 25 पैसे, एक रुपये, दो रुपये, तीन रुपये गिरावट वो देखते हैं जो जल्दी से अमीर होने की दृष्टि में लग जाते हैं। पर अगर आपकी अभिलाषा बहुत दूर तक सुजलोन में है तो इसकी आज की गिरावट ये संभव नहीं हो सकती कि इसको इतना ऑर्डर मिला और इसने सिर्फ 25 पैसे की गिरावट कर दी। इसको इतना ऑर्डर मिला कि वो ऑर्डर की परिकल्पना आप कर नहीं रहे हैं, क्योंकि वो उस कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है जो आने वाले दिनों में सरकार के सपनों को पूरा करने के लिए बड़े कॉरपोरेट घरानों की जो नवीनीकरण ऊर्जा की एक दिशा है, उस दिशा को सुजलोन एनर्जी पूरा कर रहा है। बस इसी चीज को समझो और होल्ड करने की शक्ति बनाओ। जब तक कि होल्ड करने की शक्ति नहीं आएगी कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। ट्राइडेंट में आपको होल्ड करने के विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए और देखना चाहिए कि कपड़ा व्यापार जनरल इंडस्ट्री जो है अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, जिस तरीके से युद्ध हो रहा है, मंदी के दौर हो रहे हैं, अमेरिका जिस तरीके से साल में कुछ मंगाता था उसका आधा मंगा रहा है, और सूरत में और गुजरात में आपको कहीं ना कहीं कपड़े से संबंधित जो निगेटिव न्यूज़ देखने को मिली वो सारी की सारी कपड़ा टेक्सटाइल की चीज़ों में आती है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। आर पावर की मंशा लंबे समय के लिए आपको देख लेनी चाहिए। आज एक तेजी, कल गिरावट, ये चीज़ों में उलझोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, और पर समय समय पर अपने प्रॉफिट की मंशा बना लेनी चाहिए। जहां वेदांता तेजी के संकेतों में आ रहा है पर उसने अपनी गिरवी सारी की सारी जो होल्डिंग है हिंदुस्तान जिंक वाली रख दी है, ये आपको सोचना है इससे तेजी आनी चाहिए या गिरावट, तो इसे सोचकर लंबे समय का भी वेदांता पे बनाइए, और जब आप ऐसी चीज़ें बना लेंगे कुछ ना कुछ अच्छा होता जाएगा। फिर कह रहा हूँ, पावर में, FMCG में, और आपको देखना चाहिए टेलीकॉम सेक्टर में अपने व्यू, क्योंकि ये आने वाले दिनों के सुनहरे अवसर लेके आएगा। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटे।
बैठेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक